नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसे तांत्रिक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से आप एक बार में ही धनवान बन जाओगे। जी हाँ मित्रों, इस पौधे का तांत्रिक टोटका केवल एक बार में ही बना देगा धनवान। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के टोने टोटके उपाय आदि करते रहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र धन को आकर्षित करने के उपाय बताता रहता है और उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी अभी इच्छित कामनाएं पूरी कर सकता है। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे का कर लें ये उपाय, हो जाएगी आपकी हर इच्छा पूरी। आप एक बार में बन जाओगे धनवान, आपके घर में पैसों की बारिश होगी, दिखेंगे हर पल चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आज या कभी भी कर लेना यह उपाय। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा और कोमल है पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाले पौधे के नाम से जाना जाता है। केवल 7 गुरुवार जप लें। जी हाँ दोस्तों, जो ये छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, श्रीम श्रीम श्रीम, मात्र 108 बार बोलना है, बस 7 गुरुवार बस। अगर आप नहीं बोलेंगे, इस पौधे का प्रयोग भी कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर श्रीम बोलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। सहदेवी का ये पौधा अपने आप में अनूठा है मित्रों, इसके प्रयोग से आप सचमुच अथाह धन प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तव में धन को खींचने वाला पौधा है। सहदेवी के पौधे को रवि, पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे शुभ अवसरों पर अपने घर में लेके आवे। पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आए कि कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़ कर घर ले आए। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सिद्ध करें, यानी इसको जो है अच्छे से इसकी पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके, ठीक है। और दोस्तों, सहदेवी के पौधे की सिद्ध की हुई जड़ को लाल रेशमी चमत्कार यानी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और लगातार बढ़ता रहता है। रसोई घर या अनाज के भंडार घर में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी वास्तु दोषों को खत्म कर देता है। कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसे हों और फैसला आने वाला है तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधें या जेब में धारण करके जाए, निश्चित ही विजय मिलेगी। सहदेवी के पंचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से तीव्र आकर्षण होता है। किसी सभा में इसका तिलक लगाकर जाने से लोग आपके वश में हो जाते हैं, यानी वशीभूत हो जाते हैं। अभी से कर लें दोस्तों ये तैयारी, वास्तव में बहुत अद्भुत है। सहदेवी के पौधे के पंचांग का चूर्ण जीवा पर यानी जीभ पर लगाकर बोलने से वाक सिद्धि होती है। हजारों लोग आपको अपलक सुनते रहेंगे। इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाकर जिसके सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर जिसे भी आप पानी में डालकर खिला देंगे वह आपके वश में, यानी उसका वशीकरण हो जाएगा, आपके पास में बन जाएगा। सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। सहदेवी की जड़ को दाहिने बांह पर बांधने से समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं। दोस्तों, यह इतना चमत्कारी प्रभावकारी है जिसका प्रयोग करके आप अद्भुत लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, दिखने में जितना ये पौधा छोटा है उतना ही काम का है ये। इसको हल्के में लेने का प्रयास ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बूटी है जिसके बारे में अनेकों तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अगर किसी को नींद की समस्या है, ध्यान से सुनिए मित्रों, अगर किसी को नींद की समस्या, नींद नहीं आती है, तो क्या करे, अपने रूम में सहदेवी के पौधे को लगा ले। जिस प्रकार आपके घर में तुलसी तथा अन्य प्राकृतिक पौधे होते हैं, उसी प्रकार आप सहदेवी को लगाइए। सहदेवी यानी दोस्तों, ये इसका नाम सहदेवी ऐसे पड़ा यानी कि ये हर कष्टों को
सहन करती है अपने अंदर, और ये देवी की तरह आपका पालन लालन करती है, ये देवी की तरह ये कल्याणकारी है, ये देवी की तरह आपको वरदान देता है, और अदृश्य रूप में इस पेड़ की, इस पौधे की आत्मा आपका सहयोग करती है, आपका साथ देती है। मित्रों, हमारे प्रकृति में बना हुआ कोई भी वनस्पति व्यर्थ नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। मित्रों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जी हाँ, जिसको भी नींद नहीं आती है रात बिरात, परेशान हो गया गोली खा खा करके, मेरी एक बात मान लीजिए, इस पौधे को आप अपने घर में लगाइए, जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे लगाइए, सोबाजी के लिए लगाइए, एक बार लगाइए तो सही, उसको लगा लीजिए और फिर वहाँ पर दोस्तों देखिए, आप बिस्तर में लेट जाइए, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। अगर आपको बुखार चढ़ गया हो, बुखार ना उतरता हो, तो आपको क्या करना है, इसी सहदेवी की तने को तोड़ना है, और दोस्तों इसको जो है मतलब कलाई में नीचे की तरफ बांध देना धागे से, दोस्तों आप देखेंगे कि बुखार ठीक हो जाएगा, जो भी कीटाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वातपित्त कफ की समस्या है, इसका काढ़ा पीजिए, वातपित्त की समस्या भी ठीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अब इसके आयुर्वेदिक फायदे बता रहा हूँ, आपको मैंने तांत्रिक प्रयोग इसके बता दिए हैं। मित्रों, साथ ही साथ अगर आप इस पौधे के पानी से यदि आप स्नान करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो ओजस्वी तेजस्वी बनता है, तथा आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग दोष नहीं होता है, आपका शरीर सुंदर और सुडैल और बलशाली बनता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसकी जड़ का चूर्ण, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी जड़ का चूर्ण यानी सहदेवी की जड़ का चूर्ण अगर आप शहद के साथ चाट चाट कर लेते हैं ना मित्रों, यकीन मानिए आपके अंदर वीर वृद्धि होगी, आप बलशाली होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, आपके शरीर की नपुंसकता भी दूर होती है, आपको ऊर्जावान बना देगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को, जी हाँ दोस्तों, इस पौधे की जड़ को जो मैंने शुभ नक्षत्र में बताया है, उन शुभ नक्षत्रों में इसको अगर आप प्राप्त कर लेंगे और इसकी जड़ को ला करके, जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ को ला करके अगर आप उसको जो है एक अंगूठी में, एक रिंग में पिरो कर पहनेंगे, तो दोस्तों आपके नवग्रह बाधा भी नष्ट हो जाएगी, जी हाँ, और आपका जो भी काम रुका होगा, बंद होगा, वो चालू हो जाएगा। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, इसकी जड़ ला करके एक जो है क्या करिए, एक तांबे के पात्र में मढ़वा करके अपने द्वार पर टांग दीजिए, निश्चित ही दोस्तों इससे कल्याण होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो इसकी जड़ को जेब में डाल लीजिए और जाइए, आपका कार्य सफल होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो मैंने शुभ नक्षत्र बताए हैं, उसी शुभ नक्षत्र में ही आपको ये सारी क्रियाएं संपन्न करनी है, तभी यह औषधि काम करेगी, अन्यथा यह औषधि काम नहीं करेगी। जो मैंने शुभ मुहूर्त बताए हैं, उसी शुभ मुहूर्त में ही आपको इनको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है, तभी ऐसा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है रवि पुष नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे शुभ अवसरों पर, दशहरा, नवरात्रि, ठीक है, या रक्षाबंधन, यानी कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी शुभ दिन हो, कोई भी विशेष दिन हो, उस दिन दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों इसको अपने घर पे लेकर आना है, पूर्णिमा से यानी किसी भी शुभ नक्षत्र से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय, यानी जब सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को आपको निमंत्रण दे करके आना है कि कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे, ऐसा बोलना है, और अगले दिन जब वो शुभ नक्षत्र हो या शुभ दिन हो या पूर्णिमा हो या अमावस्या हो या दशहरा हो या रवि नक्षत्र हो या कोई भी नक्षत्र हो, उसी दिन जा करके सूर्योदय से पूर्व यानी सूरज उगने से पहले पहले आपको स्वयं स्नान करके पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़ कर घर ले आएं, और घर में पंचामृत से स्नान कराकर, पंचामृत जानते हो, पानी, दूध, दही, शहद, घी, इसे इसको स्नान कराएं, ठीक है, इसकी जड़ को। इसके बाद दोस्तों क्या करें, इस पौधे को, इस तने वाने को, इसकी जड़ को फिर विधिवत षोडश उपचार पूजन करके इसको सिद्ध करें, यानी ये सिद्ध हो जाएगी। जब आप इसको पंचामृत से स्नान करा लेंगे, इसके बाद आपको इसको धूप दीप दिखानी है, प्रणाम करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, प्रार्थना करनी है, इसके बाद हाथ जोड़ना है और जो है चुपचाप जो है दोस्तों
और थोड़ा सा हवन कर दीजिए, और इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी हवन भी इस लकड़ी में लगा दीजिए। फिर यह आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। फिर आप इसको आसानी से जहाँ भी प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ये आंधी की तरह काम करेगा। बिना किसी शुभ नक्षत्र से पहले अगर आप इसको कहीं और अगर अगर जो है प्रयोग करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको शुभ नक्षत्र में ही प्राप्त करें, सही समय सीमा पर प्राप्त करें, तभी इसमें चमत्कारी शक्ति प्रवेश करेगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तांत्रिक जड़ी बूटियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।